तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास ये इन्वर्टर, तो दोस्तों इन्वर्टर जो है इसकी साउंड प्रॉब्लम है और इसमें लाइट भी आ रही है, आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पर लाल लाइट जल रही है और ये हम जैसे ही इसको वो करते हैं बंद तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। और इसको जैसे ही हम दोस्तों ऑन करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये कंडीशन ये है, ये आवाज़ करने लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कभी लाइट आ रही है और कभी लाइट भाग रही है, और ये सारी कंडीशन किस प्रकार से है, क्या दिक्कत है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। मान लीजिए लाइट आ रही है और बैटरा भी चार्ज नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत इसमें हो सकती है, और ये सप्लाई भी नहीं निकाल रहा है, ठीक है। यानी कि सप्लाई आ रही है और सप्लाई भाग रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो अगर आप लोग इसको देखेंगे इधर की साइड को, तो पीछे की साइड है कि यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये फ्यूज लगा हुआ हो रहा है, तो इसका जो फ्यूज है वो दोस्तों वो किसी कारणवश वो उड़ गया है, ठीक है। जब दोस्तों ये फ्यूज उड़ गया तो आप इसको जैसे जोड़ेंगे इस प्रकार से, मैं यहाँ पर लकड़ी लगाकर फांस देता हूँ, तो देखिए हमारा जो इन्वर्टर है वो अच्छी तरीके से वर्क करने लग गया, ठीक है। यहाँ जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ जो दोस्तों एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाई देता हूँ, फ्यूज बल्ब, यानी कि हमारा जो इन्वर्टर है वो डायरेक्टली बताता है कि आपका जो फ्यूज बल्ब वो या तो ख़राब हो चुका है या फिर डाउन वगैरह, यानी कुछ भी खराबी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और हमारा इन्वर्टर देखिए आप यहाँ पर चार्जिंग भी करने लग गया है, तो दोस्तों आप इस चीज़ से घबराएं नहीं, ये जो प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकेशन होती है, और फ्यूज बल्ब जोड़ने की वजह से आप लोगों का सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी कंडीशन में ये चीज़ आए, ओवरलोड वगैरह दिखाए, ओवरलोड का तो सब आप जानते ही हैं, क्योंकि इसमें ओवरलोड का क्या होता है, अगर ज़्यादा आप किसी चीज़ से या तो फ्रिज ही चला रहे हो इन्वर्टर से, तो इसमें यहाँ के दिखाएगा ओवरलोड दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग का फ्यूज फिका हुआ है, यानी कि पीछे का जो फ्यूज होता है वो अगर फूक गया है या बेकार हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर फ्यूज बल्ब दिखाने लग जाएगा। अगर मान लीजिए फ्यूज बल्ब का आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार के लाइट वगैरह नहीं आने की है, इस वजह से यानी कि ये चार्जिंग वगैरह भी नहीं करने का, यहाँ पर लाइट तो शो करेगा मगर ये चार्जिंग जो है वो ऑन नहीं होगी, तो इस वजह से कंडीशन में भी हमारा क्या होता है, फ्यूज बल्ब फूका हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ आप लोगों की जो सप्लाई वगैरह ये प्रॉब्लम है, ये आप अपने घर पर ही निपटा लोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तो आज के लिए बस धन्यवाद।